दोस्तों क्या वाकई में द फीड ब्रे वाइट सर्वाइवर सीरीज 2020 में द डेडमैन और द फीनोम द अंडरटेकर पे अटैक करने वाले हैं और उन्हें चैलेंज देने वाले हैं रेसलमेनिया 37 के लिए? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडे। तो आज की वीडियो वाकई में काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे द डेडमैन और द फीनोम द अंडरटेकर वर्सेस द फीड ब्रे वाइट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, द डेडमैन और द फीनोम द अंडरटेकर ने 22 नवंबर 1990 की सर्वाइवर सीरीज में अपना डेब्यूट किया था और इस साल 22 नवंबर 2020 की सर्वाइवर सीरीज को द अंडरटेकर को पूरे 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और यही रीजन है कि WWE ने 2020 की सर्वाइवर सीरीज को द अंडरटेकर का थीम दिया है, क्योंकि WWE एक तरह से द अंडरटेकर के 30 साल के करियर को सेलिब्रेट करना चाहती है। और ऐसे में हम सबको यही लग रहा है कि द अंडरटेकर सर्वाइवर सीरीज 2020 में आएंगे और अपनी रिटायरमेंट की घोषणा देंगे और फिर WWE उन्हें फेयरवेल देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि द फीड ब्रे वाइट द अंडरटेकर पर नजर गाड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि द फीड ब्रे वाइट का पूरा ध्यान द अंडरटेकर पे है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि WWE ने अपनी एक प्लेलिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने उन सभी सुपरस्टार को दिखाया है जिनको द अंडरटेकर ने हराया है, जिसमें ब्रे वाइट का नाम भी शामिल है। लेकिन फीड ने उस पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि अंडरटेकर ने फीड को नहीं हराया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें द फीड ब्रे वाइट की, तो जब गोल्डबर्ग ने फीड को हराया था तो फीड ने ये रिप्लाई दिया था कि गोल्डबर्ग उनके रास्ते में नहीं थे, इसलिए वो उससे हार गए। मतलब एक तरह से द फीड ब्रे वाइट उनको टारगेट करते हैं जिनसे उन्हें अपना बदला लेना होता है, जैसे फिन बैलर, सेथ रोलिंस और द फेस ऑफ WWE जॉन सीना। ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं द अंडरटेकर ने ब्रे वाइट को रेसलमेनिया 31 में डिफीट किया है, और जिस हिसाब से द फीड ब्रे वाइट ने फिन बैलर और जॉन सीना से अपनी हार का बदला लिया है, उस हिसाब से द अंडरटेकर से फीड को अपनी हार का बदला लेना बाकी है। और अगर वाकई में द फीड ब्रे वाइट अपनी जुबान के पक्के हैं तो वो द अंडरटेकर की रिटायरमेंट से पहले उनके साथ एक मैच जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टाइम है द फीड ब्रे वाइट के लिए, और अब तो उन्होंने द अंडरटेकर को टारगेट भी कर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में द फीड ब्रे वाइट अंडरटेकर के ऊपर सर्वाइवर सीरीज में अटैक करेंगे और उन्हें रेसलमेनिया 37 में मैच के लिए चैलेंज देंगे? वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों द अंडरटेकर की रिटायरमेंट से पहले आप लोग द अंडरटेकर वर्सेज फीड का मैच देखना चाहते हैं या फिर द अंडरटेकर वर्सेज द स्टिंग का एक ड्रीम मैच देखना चाहते हैं? वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।